कोई बात करो। क्या बात? कोई भी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बात करें। शहवार, मैं तुम्हें घर से बाहर इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाना। कोई बात नहीं करनी? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत देर हो गई, वक्त ज़ाया हो रहा है। मुझे घर पे जाके खाना भी बनाना है। चले। मंसूर, बेटा जाने से पहले बहू को उसके मैके चक्कर लगवा लाओ। जी। बहू के अम्मी अब्बा का भी चक्कर नहीं लगा काफी दिनों से, और ये भी मैके नहीं गई। अच्छा है ना, तुम छुट्टी पर आए हो, ससुराल चले जाओ, सास ससुर से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। इसका भी बहुत जी जा रहा होगा। हाँ जी अम्मी। पांच दफा इनायात कितनी महंगी होती है कि उनसे दम घुटता है। फजीलत की शादी की तारीख तय हो गई है क्या? जी अभी नहीं आंटी, लेकिन दो महीने तक शादी करने का इरादा है। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर खैरियत से तुम लोगों को इस फर्ज से सुबुकदोश करे। आमीन। तो बेटा क्या दोबारा आओगे दो महीने के बाद छुट्टी लेकर? जी तारीख तय हो जाएगी तो फिर छुट्टी ले लूंगा। दूरे शेवार की प्लेट में कुछ डालिए, खाली हो रही। वही पुरानी आदत है इसकी, कह दो तो खा लेगी, वरना कह कह कर खिलाना पड़ता है। खाना खाओ। मंसूर को और उसे घर वालों को तुम्हें यहाँ लाने का खुद ही ख्याल आ ही गया। मंसूर का रवैया भी मुझे अब बेहतर लग रहा है। एक आध बार मैंने तुम्हारे घर फोन भी किया था। मंसूर की वालदा से मेरी बात हुई थी, खुश लग रही थी बहुत। तुम्हारी कोई शिकायत भी मुझसे नहीं की। मैं तुमसे कहा करता था ना कि जरा से सब्र और तहम्मुल के साथ चीजें बेहतर होने लगती हैं। सब्र और तहम्मुल से कुछ नहीं बदलता आपा। लोगों की फरमाइशें पूरी कर देने से वक्त बदलता है, वो भी सिर्फ वक्ती तौर पर। क्या मतलब? उन्होंने मुझसे मेरा पूरा जेवर ले लिया है, फजीलत को दे रहे हैं उसकी शादी का, क्योंकि फजीलत के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं और उनकी बाकी बहुएं भी बहुत सारी चीजें लाई थी, इसलिए मेरा पूरा सामान मेरा जहेज वो उसे दे रहे हैं। मैंने दे दिया तो वो मुझसे इस वजह से खुश है, बाकी कुछ नहीं रख रहा था। चलो बेटा,